सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स आरडी शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर एक्स माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/3 एंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी आपके लाइन का कार्टेशियन फॉर्म गिवन है और आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने आपको वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर समझाया है, ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं गिवन क्या है। गिवन कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइंस, आपको ये सो लाइंस लिखा हुआ है, एक्चुअली में तीन फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, इसलिए वो लाइंस कहा जाता है। एक्स माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/2। पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि लाइन जो आपने लिखी है ना, इसका परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन हम ये नहीं पूछ रहे कि सीधी सीधी लाइन होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी वैसे भी लाइन होती नहीं है। ये लाइन जो है ना, अगर आप एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी जेड माइनस जेड अपान सी करेंगे, तो ये 5-4 और 6 से होकर पास हो रही है। यानी इक्वेशन वन या लाइन वन इज पासिंग थ्रू ए 5-4-6 एंड हैविंग डी आर्स प्रपोर्शनल टू, अभी प्रपोर्शनल क्यों लिखा हमने, टू 3-7/2। अब आप कहेंगे प्रपोर्शनल टू का मतलब क्या होता है। अगर आपने हमारे टॉपिक्स पढ़े हों और क्वेश्चंस इसके पहले आपने वीडियोस देखे हों, तो हमने आपको बार बार बताया है कि इसमें जो नीचे नंबर लिखा ना है, तो तीनों इक्वल है। तो अगर मान लेते यहां पर 6 लिखा होता, यहां पर 40 लिखा होता, यहां पर 4 लिखा होता, तो आप अपना आंसर 6, 14, 4 में नहीं लिखते, आप इसको लोएस्ट टर्म में लिखते। यानी आप इसको 2 से काटते, 2, 3, 6, 2, 7, 14, 2, 2, 4, आप लिखते 3, 7, 2। हमने बताया था अगर यहां भी निगेटिव होता, यहां निगेटिव होता, यहां भी यहां पॉजिटिव होता, तो निगेटिव कम से कम लाने की कोशिश करते, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करते, ये पॉजिटिव होता, ये निगेटिव हो जाता, इसीलिए प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं। पता नहीं 3, 7, 2 था कि 6, 14, 4 था, आपने काट के लिखा, इसलिए के लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अब आपको तो वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, इसको इंडिकेट करेंगे ए से, क्या हो जाएगा 5i-4j+6k, और वेक्टर बी कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाता है 3i drs वाले के लिए 7j+2k। अब आपको निकालना क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसके पैरेलल है, जो क्योंकि यही इसी लाइन का है तो ये खुद के पैरेलल होगी ना, तो वेक्टर इक्वेशन क्या निकलेगी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका 5i-4j+6k+λ टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा आपका 3i+7j+2k, ठीक। यही आपसे पूछ रहे थे, वो जानना चाहते थे कि आपको वेक्टर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू वेक्टर कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।